दरभंगा में हुई दो इंजीनियर्स की हत्या के मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं डीजीपी ने शनिवार को आला अधिकारियों के साथ बैठक की। डीजीपी ने इस मामले की रिपोर्ट दरभंगा के एसएसपी से मांगी है। यहां पर सड़क निर्माण कंपनी के दो इंजीनियर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामला रंगदारी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसको लेकर छापेमारी अभियान चल रहा है। कोलकाता से खबर है, जहां पर दमदम इलाके के स्लम एरिया में शनिवार को भीषण आग लग गई। आग के तांडव में करीब 350 झुग्गियां जलकर राख हो गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि कई लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की टीम को घंटों कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल रहा। भीषण आग लगी थी, हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग कैसे लगी इस बारे में भी पता नहीं चल पाया है। 350 से झुग्गियां जलकर राख हो चुकी हैं, और साथ ही साथ एक शख्स की भी मौत हो गई है। यूपी के कानपुर से खबर है, जहां पर शनिवार को एक विधायक की जमकर पिटाई हुई। पैसों के लेन देन को लेकर एसपी विधायक इरफान सोलंकी की पिटाई हुई। बताया जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर विधायक के चाचा इकबाल सोलंकी और उसके साथियों ने हमला किया। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच पिछले कई सालों से विवाद चल रहा था। और अब हम बात करेंगे किस तरह देश में नकली कारोबार फल फूल रहा है। अहमदाबाद से मुरादाबाद तक और हरिद्वार से दिल्ली तक नकली कारोबार का जाल है। हरिद्वार में फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ, जहां नामचीन कंपनीज के ब्रांड पर नकली प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे थे। अहमदाबाद में ऐसे नकली नोट मिले। वहीं मुरादाबाद की अगर बात करें तो फर्जी नौकरी का झांसा देकर युवकों को फंसाया जा रहा है। तो साबुन, शैम्पू और नोट ही नहीं, नौकरी का ऑफर लेटर भी नकली है। यूपी के मुरादाबाद में 8 युवकों को रेलवे ने नौकरी का झांसा देकर 70 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। रेल मंत्री के सचिव का रिश्तेदार बताने वाले एक शख्स ने इन्हें अपना शिकार बनाया। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाने के बाहर खड़े इन युवकों ने रेलवे में नौकरी का ख्वाब देखा था, लेकिन इनकी नौकरी की गाड़ी आगे बढ़ पाती उससे पहले ही वो पटरी से उतर गई। एक ठग ने इनके सपने को चकनाचूर कर दिया। खुद को रेल मंत्री के सचिव और रिश्तेदार बताने वाले हरिद्वार के अनिल कुमार नाम के एक शख्स ने न सिर्फ इनके अरमानों पर पानी फेर दिया, बल्कि इनसे 70 लाख रुपए भी ठग लिए। अनिल कुमार ने कहा कि जब हम नौकरी चक्कर में थे, उन्होंने कहा कि नौकरी हम तुम्हारे लगवा देंगे रेलवे में, और जो रेलवे के जो निजी सचिव है वो मेरे रिश्तेदार है, और मैं जो तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। ठगी का शिकार हुए युवकों की माने तो अनिल कुमार ने इनको रेलवे का ज्वाइनिंग लेटर भी दिया। रेलवे की वेबसाइट पर इसका पूरा विवरण भी आया। इसके बाद इनको दिल्ली के रेल भवन ले जाया गया, वहां पर इनसे फॉर्म भी भरवाया गया। रेलवे के कई अधिकारियों से इन्हें मिलवाया गया। सभी लड़कों को ट्रेनिंग के लिए कोलकाता भी ले जाया गया, लेकिन अब हकीकत सामने आई तो इन युवकों ने खुद को लूटा हुआ पाया। उससे मैंने कहा कि आपने जो भी मेरे को लेटर दिए हैं, मैं रेलवे के किसी अधिकारी से उसको चेक करवाता हूं। तो उसने कहा चेक कराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जो है कलकत्ता जाकर के पता चल जाएगा कि ये सब कुछ ओरिजिनल है। युवकों की माने तो अनिल ने दिल्ली के रहने वाले अपने साथी सौदान अली के साथ मिलकर न सिर्फ मुरादाबाद बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई युवकों को ठगी का शिकार बनाया है। फिलहाल सिविल लाइन पुलिस ने युवक की शिकायत पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। जो शिकायत करता है वो अवनीश कुमार नाम है उसका। उसने शिकायत करी है कि रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर कुछ लोगों ने हमसे पैसा ले लिया, हमें फर्जी कागज दिया और एक आईडी पर हमारा नाम और मेरी नौकरी का नाम और ज्वाइनिंग डेट वगैरह दिखाई। तो इससे लगता है कि ये काफ़ी एक बड़ा रैकेट है जो रेलवे के मतलब फर्जी आईडी और फर्जी लेटर जारी करके और लोगों को नौकरी का झांसा दे करके पैसा ले रहा है, ठगी कर रहा है। रेलवे का ज्वाइनिंग लेटर, रेलवे की वेबसाइट पर अभ्यर्थी का नाम, इशारा साफ है। ठगी के इस खेल में सिर्फ अनिल कुमार ही नहीं बल्कि रेलवे के कई अधिकारी भी इस पूरे गोरख धंधे में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दीपचंद जोशी, इंडिया 24/7, मुरादाबाद।
महाराष्ट्र एटीएस और हैदराबाद पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में आतंकी संगठन आईएस के 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तीनों संदिग्ध हैदराबाद से बस से नागपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे। बताया यह भी जा रहा है कि तीनों संदिग्ध आईएस में शामिल होने के लिए भारत से बाहर जाने की तैयारी में थे। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि तेलंगाना के अलग अलग इलाकों में इन तीनों संदिग्धों के परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि राजस्थान एटीएस ने भी बीते 10 दिसंबर को जयपुर से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मार्केटिंग मैनेजर सिराजुद्दीन को आईएस का एजेंट होने के शक में गिरफ्तार किया था। यूपी के मऊ में पुलिस वाले कैदी को शॉपिंग करते हुए नजर आए। एक सजायाफ्ता कैदी को जेल ले जाते वक्त पुलिस वाले कैदी को शॉपिंग मॉल ले गए। मीडिया के कैमरों में तस्वीरें कैद होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में कमेटी गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। यूपी पुलिस की लापरवाही, कैदी को कराई शॉपिंग, कब सुधरेगी पुलिस? इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर पहली नजर में शायद आप कुछ न समझ पाए, लेकिन ये तस्वीरें यूपी पुलिस के लापरवाही भरे रवैये की पोल खोलने के लिए काफी हैं। चलिए तस्वीर हम साफ किए देते हैं। इन तस्वीरों में नजर आ रही मऊ पुलिस दरअसल कैदी को शॉपिंग करवा रही है। एक सजा याफ्ता अपराधी को जिला कारागार ले जाते वक्त पुलिस उसे एक शॉपिंग मॉल में ले गई और वहां पर एक कैदी को शॉपिंग करवाई। मीडिया में मामला उछला तो हड़कंप मच गया। जानकारी आला अफसरों तक पहुंची तो आनंद फानन में कमेटी गठित कर जांच बिठा दी गई। ये सूचना प्राप्त हुई थी और उसका नाम प्रकाश में आ गया है। जिन लोगों ने साफ तक ले गए थे उनका भी नाम आ गया है। ऐसा नहीं कि इस तरह का मामला पहली बार सामने आया हो। इन तस्वीरों को अब जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें आगरा के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की हैं, जहां इसी साल बीते अगस्त महीने में पुलिस कैदियों को शॉपिंग कराते कैमरे में नजर आई थी। मामला तब भी मीडिया में उछला था और आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन बावजूद इसके यूपी पुलिस सबक लेने को तैयार नहीं। एक और मामले ने साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भले ही जनता जनार्दन और उसकी सुरक्षा में कोताही बरते, लेकिन कैदियों को शॉपिंग कराने से लेकर उनके खान पान में पुलिस पूरी मुस्तैदी बरतती है। ऐसे में प्रदेश में कानून व्यवस्था सही ट्रैक पर चलेगी, इसकी उम्मीद करना बेमानी है। विजय मिश्रा, इंडिया 24/7, मऊ। गाजियाबाद के वैशाली इलाके में शनिवार को 2 साल की बच्ची की नाले में गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मासूम बच्ची अपनी मां का हाथ छोड़कर बॉल लेने के लिए नाले की तरफ गई थी। नाले की दीवार टूटी हुई थी, बच्चे संभल नहीं पाई और नाले में जा गिरी। परिजनों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही इलाके के लोगों का यह भी कहना है कि कई बार नाले को ढकने को लेकर नगर निगम के अधिकारियों से कहा गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश के दमोह से खबर है, जहां के पटेरा ब्लॉक में फूड प्वाइजनिंग की वजह से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। निमखेड़ा गांव में रहने वाले लटोरी पटेल के घर में शुक्रवार की रात बेसन में से बने पकौड़े खाने से सभी की तबीयत बिगड़ गई। पहले प्राथमिक केंद्र में भर्ती कराया गया, इसके बाद इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही लटोरी और उसकी 2 बेटियां और बेटे ने दम तोड़ दिया, जबकि एक और बेटी ने रात 12 बजे दमोह जिला अस्पताल में से भर्ती कराया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उनने भजिया खाई 3 मोड़ी, एक मोड़ा वो खुद खत्म हो गया छोटा भाई। आप लोग कैसे मालूम चली? उन्होंने बताओ कि बीमार होगा, भजिया खाई तो गाय से लेकर भगे हमारे।